प्राथमिक विद्यालय में टॉयलेट की साफ सफाई करते नजर आ रहा रहे मासूम छात्र। पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीरें हुई उजागर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड से लगातार शिक्षा को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उजागर हो रही, पर ना प्रदेश सरकार संज्ञान में ले रहा ना जिला प्रशासन। आखिरकार कब तक मासूम बच्चों से शिक्षा विभाग गंदगी साफ करवाएगा, यह बड़ा सवाल। फिर शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर ग्राम पंचायत सकरा के डोंगरिया टोला की प्राथमिक स्कूल से उजागर हुई, जो पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। पर प्रदेश के मुखिया को अब इस मामले को संज्ञान में लेना होगा और उचित कार्यवाही करनी होगी। डॉट नहीं तो शिक्षा विभाग में बैठे इस प्रकार के शिक्षक नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। शहडोल जिले के जन शिक्षण केंद्र बुढ़ार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय डोगरिया टोला में पढ़ने वाले मासूम छात्र छात्राओं से स्कूल के गंदे टॉयलेट एवं यूरिनल को स्कूल प्रबंधन के द्वारा सफाई करवाया जा रहा है। दरअसल स्कूल में खाना खाने के लिए लंच टाइम में मिलने वाली आधी छुट्टी में मासूम छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन की तरफ से बोला गया कि सभी बच्चे टॉयलेट साफ करेंगे। वही दबी जबान में छात्रों ने बताया कि वो लंबे समय से टॉयलेट और यूरिनल साफ करते आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश की मुखिया छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजना ला रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा की मंदिर से ऐसी शर्मनाक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। वही पूरे में मामले में कलेक्टर शहडोल वंदना वैद्य का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पर कब, यह भी सवाल उठता है। कई बार इस प्रकार की तस्वीरें उजागर हुई पर कार्यवाही दबी रह गई। शहडोल मध्य प्रदेश से मोहम्मद इस्लाम खान की रिपोर्ट। बेटा कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? चौथी। जी आपसे पानी भरने के लिए किसने बोलता है? कोई नहीं, हम ही भरते हैं। तो आपको भरने के लिए कोई बोलता है? स्कूल में सर बोलते हैं क्या? हाँ। और ये बाथरूम साफ करने के लिए कौन बोलता है बेटा आपको? सर बोले हैं कि बाथरूम साफ कर लिया करो। क्या बोलते हैं सर? बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं। बाथरूम हम ही साफ करते हैं डेली रोज। और पानी भी आप भरती हो? हाँ। और स्कूल में झाड़ू भी लगाते हैं आप? कौन सी क्लास पढ़ती हो आप? बेटा आपका नाम क्या है? ये बताओ, स्कूल में आप झाड़ू लगाती हो? पानी भरती हो आप? बाथरूम आप भी साफ करती हो? कौन बोलता है करने के लिए? नाम है? नरेंद्र। आपका नाम बेटा? आपका नाम? कौन सी क्लास पढ़ती हो? ये लैट्रिन और बाथरूम साफ करने के लिए कौन बोलता है आपको? इधर आओ बेटा आप। क्या कौन बोलता है? हम रोज करते हैं तो सर कहते हैं और कर दिए करो। आप रोज करते हो? तो सर क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अच्छे से आप कर दिए करो। अच्छा, और पानी भी आप भर के लाते हो रोज? मतलब पूरा स्कूल का काम आप ही करते हो? और सहायिकाएं नहीं आती हैं खाना बनाने वाली? आती हैं पर खाना बना पिलाया जाता है। अच्छा, यहाँ नहीं बनाते हैं। और पूरा स्कूल का काम आपसे सर बोलते हैं कर दिया करो? अच्छा, खाना भी नहीं आता। इधर आओ। क्या नाम है? संस्कार। खाना नहीं मिलता स्कूल में? कितने दिन से बेटा? चावल खत्म हो गए हैं, चावल नहीं। अच्छा, चलिए ठीक। नाम है? कौन सी क्लास पढ़ते हो? पांचवी। ये आपके सर जी कितने समय आते हैं टीचर? 10 से 11 बजे। तो 11 बजने वाले हैं, अभी तक आप अकेले बैठे हो, टीचर तो है नहीं। कौन पढ़ा रहा अभी आपको? कोई नहीं। कोई नहीं है? तो ऐसा रोज होता है क्या सर जी, हमेशा लेट से आते हैं? कभी कभी लेट हो जाते हैं। दोनों सर आते हैं बराबर कि नहीं आते हैं? दोनों दोनों आते हैं रोज। तो आज क्यों नहीं है बेटा? दोनों सर आज नहीं है आपके? पता नहीं जी। क्या बोल रहे हैं? पासम घर है सर। सर के घर पास में है? इसके बाद भी स्कूल नहीं आए? 11 बजे स्कूल नहीं आए हैं? अरे यहाँ है ना। तो वो सर हमेशा ऐसे ही करते हैं क्या? हाँ। नहीं आते टाइम से स्कूल? कौन दिन क्या नाम है? काम भाजी।
कमर भान कलम भान। अच्छा अच्छा अभी आपने बताया तो मुझे अभी मालूम पड़ा है, अब जिस स्कूल का है उसके प्राचार्य से पूछा जाएगा और यदि वास्तव में सही बात है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।